गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, आज हम यूनिट थर्ड का जो पार्ट वन है, जो पोएम है रन, उसकी एक्सरसाइज हम वर्कबुक में लिखेंगे। तो बच्चों, ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 25। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएम टेल अस थ्रू, हमें ये पोएम हमें क्या कहना चाहती है। तो हमें इस पोएम में सीखा था कि ये पोएम हमें ये कहना चाहती है कि हमें सिटी से कंट्री साइड में गांव की तरफ जाना चाहिए। क्यों बच्चों? अपनी हेल्थ के लिए। तो हम लिखेंगे, द पोएम जो घास वाली जमीन का जो टुकड़ा होता है, जो पीस होता है, उसको मीडो कहा जाता है। द पोएम वॉन्ट्स टू रन टुवर्ड्स द कंट्री साइड अंडर द ट्रीज डाउन द हिल साइड एंड अप द लेन थ्रू द मीडो। तो आप ये आंसर अपनी वर्कबुक पे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, With whom does the poet wants us to run little races? ये जो poet है वो किसके साथ little race करना चाहता है? तो हम इस poem में सीखा था कि ये जो poet है वो जो पवन आती है, जो हवा की लहरें आती है, उसके साथ वो रेस करना चाहता है। हम लिखेंगे थर्ड का आंसर, The poet wants us to run little races with each little
which means और होता है उसको कहा जाता है। तो ये जो पोएट है वो लिटिल रेसिस पवन के साथ खेलना चाहती है। नेक्स्ट, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी इन द बॉक्स। हमें सही आंसर चुनकर यानी कि सही ऑप्शन चुनकर हमें ये बॉक्स में फिलअप करना है। फर्स्ट है द पोएट वॉन्ट्स अस टू रन अवे फ्रॉम द, तो ये जो पोएट है वो कहां से जाना चाहता है, तो सिटी से दूर जाना चाहता है, तो ये आएगा सिटी। द पोएट वॉन्ट्स टू रन आउट द, वो कंट्री से बाहर जाना चाहता है, तो सी आएगा कंट्री। द पोएट वॉन्ट्स अस टू रन बीनेथ विद बीनेथ द ट्रीज, वी शुड रन लिटिल रेसेस विद ईच लिटिल ब्रिज, छोटी छोटी पापा की जो लव आती है उसके साथ हमें रेस करनी चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड रन एंड हमें रन मीन्स रन करना मीन्स दौड़ना चाहिए एंड हैप्पी रहना चाहिए, मेरी मीन्स हैप्पी। तो आप ये अपनी वर्कबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट, राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ब्रीड, ब्रीड मीन्स बाइंड, विंड मीन्स पवन, मीडो, मीडो मीन्स जो घास होती है, घास वाली जो जमीन होती है उसका जो टुकड़ा पीस होता है उसको कहा जाता है अ पीस ऑफ ग्रासलैंड। मेरी, मेरी मीन्स हैप्पी, खुश होना, तो आप हैप्पी वर्ड में लिख सकते हो। बच्चों ये जो पार्ट वन की जो एक्सरसाइज है वो हम कंप्लीट किए। आज हम यूनिट थर्ड पार्ट टू नसरुद्दीन एक की जो एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। तो टर्न द पेज 26 नंबर, टर्न द पेज। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट, बोस्ट मीन्स बड़ाई करना, तो नसरुद्दीन अपने बारे में किस बात की बड़ाई कर रहा था। तो हमने इस लेसन में सीखा था कि नसरुद्दीन उनकी ये बड़ाई कर रहा था कि वो धनुर्विद्या की जो स्किल है उसमें वो निपुण है यानी कि सक्सेस है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे धनुष एंड
target and shoot an arrow. A friend gave a bow and some arrows to Nasruddin. Nasruddin ne mitra ne unko ek dhanush and kuch teer diye and asked him aur kaha aim a target and shoot an arrow. आप अपना टारगेट निशान लगाकर कंप्लीट करो। तो ये नसरुद्दीन को अपने जो मित्र थे वो अपनी स्किल दिखाने के लिए कहा था। Why did Nasruddin take someone else's name each time he missed the target? इस पार्ट के हिसाब से नसरुद्दीन जब फेल होता था, निशाना लगाने में फेल होता था, तो अपने मित्र के नाम यानी कि कुछ अदर पर्सन के नाम बार बार क्यों लेता था। तो हमने इस लेसन में सीखा था कि नसरुद्दीन अपने आप का बचाव करने के लिए वो कभी फेल ही नहीं हो सकता, ऐसा दूसरों को मनाने के लिए और अपने आप का बचाव करने के लिए वो ऐसा करता था। तो हम लिखेंगे और आंसर से
because he had his right on the target. Nasruddin said it was my aim the third time because he had his right on the target. नसरुद्दीन ने ये कहा तीसरी बार कि मेरा निशाना है क्योंकि वो तीसरी बार निशाना लगाने में सक्सेस हुआ था. नेक्स्ट, डू यू थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी? ये सवाल हमको पूछा गया है कि क्या नसरुद्दीन अपनी आर्चरी मीन्स धनुर विद्या में अच्छा था. तो हम कह सकते हैं कि नो, आई डू नॉट थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी. नसरुद्दीन धनुर विद्या में अच्छा नहीं था. तो हम इसका आंसर लिखेंगे करेंगे. थैंक यू.